गुड इवनिंग। आज मैं आपसे नीतिशास्त्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों के भीतर सहिष्णुता के मूल्य की चर्चा करूंगा और 2015 में आईएएस मुख्य परीक्षा में सहिष्णुता शब्द देकर तो नहीं लेकिन सहन शक्ति शब्द देकर एक प्रश्न भी पूछा गया। प्रश्न ये था कि विश्वसनीयता और सहन शक्ति के सद्गुण लोक सेवा में किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं। उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए, हाउ डू द वर्चूज ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस एंड फॉर्टिट्यूड गेट मैनिफेस्टेड इन द पब्लिक सर्विस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। हालांकि यहां पर टॉलरेशन शब्द का उल्लेख नहीं है लेकिन जो फॉर्टिट्यूड शब्द है और एक और अंग्रेजी का शब्द होता है फॉरबियरेंस, ये दोनों शब्द टॉलरेशन के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदी वाले शब्द सहन शक्ति से संकेत मिल रहा है कि इस प्रश्न में सहिष्णुता के बारे में पूछा गया है। विश्वसनीयता पर मैं दूसरे क्लास में चर्चा करूंगा, सहिष्णुता पर, सहन शक्ति पर मैं इस क्लास में चर्चा करूंगा। अगर आपसे एक बुनियादी सवाल उठाया जाए कि मनुष्य को दूसरे से कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो ये सवाल बहुत व्यापक सवाल है और इस सवाल के बहुत सारे दृष्टिकोणों से, आयामों के साथ उत्तर दिए जा सकते हैं। लेकिन जब हम नीतिशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो ये सवाल बहुत ही मूलभूत सवाल एक हो जाता है। इंटरनेशनल एथिक्स में इस सवाल को उठाया जाता है कि क्या हमें मनुष्यों को नागरिक और विदेशी मानकर, अंतर कर को मानते हुए, नागरिक और विदेशी के बीच में भेद करते हुए, अलग करते हुए व्यवहार करना चाहिए। उसी तरह से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जहां पर, या बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस प्रश्न के उत्तर के आधार पर, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न के उत्तर के आधार पर आपको यहां पर आप दरअसल अपनी दिशा को, अपने वास्तव में निष्कर्ष को तय कर पाते हैं। इस सवाल को अगर हम ऐसे भी उठाएं कि मनुष्य को दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, यदि व्यवहार के दायरे में आने वाले जो दूसरे मनुष्य हों उनके जो व्यूज हों उनसे आप डिफर करते हों, उनसे आप डिसएग्री करते हों, यदि व्यवहार के दायरे में आने वाले दूसरे मनुष्यों के मतों से आप असहमत हों, यदि व्यवहार के दायरे में आने वाले दूसरे मनुष्यों के कार्यों से आप अस्वीकृति रखते हों, डिसअप्रूव करते हों उनके कार्यों को, तो आप ऐसी स्थिति में उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहेंगे? क्या आप अपने मतों को, विचारों को या अपने द्वारा स्वीकृत कार्यों को दूसरे मनुष्यों पर आरोपित करेंगे, या फिर दूसरे मनुष्य जिस प्रकार के मत रखते हैं, जिस प्रकार के वे कार्य वास्तव में, जिस प्रकार के कार्यों को वो करते हैं उनको आप स्वीकृति देंगे? आपने प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक वाल्टेयर के उस कथन को सुना होगा कि आई डिटेस्ट व्हाट यू से बट विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। मैं आपके विचारों से असहमत हूं, हो सकता हूं, लेकिन मरते दम तक आपके कहने के अधिकार को, विचारों के अभिव्यक्त करने के अधिकार को रक्षित करने का प्रयास करूंगा।
अक्सर वाल्टेयर के इस कथन को सहिष्णुता का सबसे क्लासिक एग्जाम, क्लासिक वक्तव्य माना जाता है कि मैं किसी के मत से असहमत हूं, मैं किसी के कार्य को अस्वीकार करता हूं, फिर भी मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं उस पर अपने मत को आरोपित करूं या अपने कार्यों, जो जिस कार्य को मैं स्वीकृति देता हूं उन्हीं कार्यों को करने के लिए बाध्य करूं। तो सबसे पहली बात ये कि दूसरों के मतों से असहमत होने और दूसरों के कार्यों के प्रति अस्वीकृति रखने के बावजूद जब आप किसी के मतों और कार्यों को सहन करते हैं, सहनशीलता का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो उसे सहिष्णुता कहते हैं। सहिष्णुता एक वह गुण है जिसमें व्यक्ति असहमतिपूर्ण विचारों या मतों और अस्वीकृत कार्यों को स्वीकार करता है। सहिष्णुता विचारों, मतों, कार्यों जिनके प्रति हम एक भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं और कई बार विरोधी दृष्टिकोण भी रखते हैं, उन भिन्न और विरोधी दृष्टिकोणों को रखते हुए भी उसको बर्दाश्त करना, उसको स्वीकार करना, उसको सहन करना सहिष्णुता है। जब हमारे मत समान हैं, जब हमारे व्यूज सेम हैं, जब हमारे एक्शंस जो हैं उनको लेकर कोई बेसिक डिसएग्रीमेंट नहीं है, हम आपके एक्शंस को अप्रूव कर रहे हैं, तो वहां पर सहिष्णुता जैसे गुण की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जब मतों में एक रूपता है, कार्यों के संदर्भ में एक व्यापक स्वीकृति है, व्यूज पर कोई डिसएग्रीमेंट्स नहीं है, एक्शंस पर कोई डिसअप्रूव का एटीट्यूड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सहिष्णुता का मुद्दा नहीं उठता है। इसका मतलब कि मनुष्य को दूसरे से कैसे व्यवहार करना चाहिए, यदि मनुष्य के दायरे में आने वाले दूसरे मनुष्यों के मत भिन्न हो, मतों से हम असहमत हों, कार्य अस्वीकार्य हो, तब भी अगर हम उन्हें स्वीकार करते हैं, तब भी अगर हम उनके प्रति एक सहनशीलता प्रदर्शित करते हैं, तो यह गुण सहिष्णुता है। इसलिए वाल्टेयर का यह कथन, आई डिटेस्ट व्हाट यू से बट विल डिफेंड टू दी डेथ योर राइट टू से, यह कथन इस बात को बताता है कि मैं आपके विचारों से, आपके आपके द्वारा कही गई बात से असहमत हूं, लेकिन आपके अभिव्यक्ति के अधिकार को मैं मृत्यु तक कह बनाए रखूंगा। दरअसल सहिष्णुता सहन करने की एक मनोदशा है, और जैसा कि प्रसिद्ध विचारक अरस्तू ने अपनी किताब निकोमेकियन एथिक्स में जब मनुष्य के भीतर पाए जाने वाले सद्गुणों का वर्गीकरण किया था, तो उन्होंने कहा था कि कुछ सद्गुण नैतिक हैं, मोरल वर्चूज हैं, और कुछ ऐसे सद्गुण हैं जो सामाजिक हैं। ऐसे गुण जिनकी वजह से दूसरों पर प्रभाव पड़ता है वो सामाजिक सद्गुण हैं। इसलिए सहिष्णुता केवल एक नैतिक गुण या नैतिक आदर्श ही नहीं है, दरअसल वो एक सामाजिक सिद्धांत भी है। एक और बात सहिष्णुता को समझने के संदर्भ में कि सहिष्णुता जो है वो न तो किसी प्रकार की उदासीनता है और न ही किसी प्रकार की आत्मनिष्ठता या न ही किसी प्रकार की नैतिक सापेक्षता है। हमें भी कह सकते हैं कि कई बार समाज में हमें एक
परमिसिवनेस का एक एटीट्यूड दिखाई पड़ता है, अनुमति पूर्णता हम उसे हिंदी में कह सकते हैं, कि परमिसिवनेस होता है कि जो ज्यादातर लोग सोचते हैं, जिस चीज को ज्यादातर लोग च्वाइस करते हैं, चयन करते हैं, हम भी उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। इसको कहा जाता है कि इट्स अ सोशल एटीट्यूड ऑफ परमिसिवनेस। ये एक सोशल एटीट्यूड है परमिसिवनेस का, और इस परमिसिवनेस के पीछे अगर हम इसमें ये भी देखें तो हम यहां पर भी दूसरे के व्यवहार को, दूसरे के मतों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन यह सहिष्णुता नहीं है। सहिष्णुता अनुमति पूर्णता या परमिसिवनेस नहीं है, क्योंकि जब हमारे भीतर एक परमिसिवनेस होता है तो परमिसिवनेस जो है उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि मैं नैतिक रूप से किसी चीज को लेकर उदासीन हूं, दरअसल मैं मानता ही नहीं हूं कि किए गए कार्य को नैतिकता, या मैं ऐसा सोचता ही नहीं हूं कि किसी किए गए कार्य को नैतिकता के दायरे में लाया जाए। जैसे कि अगर मैं ये सोचता हूं कि सबरीमला मंदिर का जो पूरा विवाद है, वह विवाद दरअसल नैतिकता के और धार्मिकता के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए, और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा मेरे लिए नहीं है, भले ही उसके लिए आंदोलन, विरोध, समर्थन सब कुछ हो रहा है, तो मेरा यहां पर एक रीजन ये हो सकता है, तर्क ये हो सकता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कुदरती चीज है, और उस कुदरती चीज के साथ पवित्रता और अपवित्रता की भावना जो जोड़ी जा रही है, उस भावना को जोड़ने का कोई तुक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, और इस तरह से मैं एक मोरल इंडिफरेंस शो कर रहा हूं कि सबरीमला में चाहे कुछ भी, उसको लेकर केरल में कुछ भी हो रहा है, मुझे उस पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कई बार हम नैतिक उदासीनता के एटीट्यूड, नैतिक उदासीनता के स्टैंड को अपना लेते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग 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 दृष्टिकोण हो सकते हैं, अच्छाई और बुराई की धारणा, सही और गलत की जो धारणा है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि नैतिक सापेक्षता है, और ये नैतिक सापेक्षता ये कह सकती है कि किसी के लिए टीवी पर क्रिकेट मैच देखना उसके लिए अच्छा वीकेंड बिताने का एक बहाना हो, एक तरीका हो सकता है, और किसी के लिए इंडिया गेट घूमने में उसे ज्यादा प्लेजेंट महसूस हो सकता है, या किसी को प्रयागराज के कुंभ मेले में आकर नहाने में ज्यादा अच्छा महसूस हो सकता है। तो अलग अलग लोग हैं और एक रिलेटिव स्थिति है। नैतिकता जो है वो व्यक्ति के सापेक्ष होती है, और अगर नैतिकता व्यक्ति के सापेक्ष होती है तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय हो सकती है। इस तरह से एक मोरल रिलेटिविज्म जो है उसके वजह से भी कई बार हम दूसरे के व्यवहारों, दूसरे के कार्यों, जिनसे हम असहमत भी होते हैं, जिनको हम स्वीकृति नहीं भी देते हैं, दरअसल उनको हम स्वीकार कर लेते हैं, या उनको हम एक तरह से क्या करते हैं कि अनुमति देते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि सहिष्णुता एक तरफ जो परमिसिवनेस का एटीट्यूड होता है उससे भी भिन्न है, और दूसरी तरफ जो मोरल इंडिफरेंस होता है या मोरल रिलेटिविज्म जो होता है, नैतिक उदासीनता जो होती है, नैतिक सापेक्षता जो होती है, उससे भी भिन्न है। दरअसल हम जब सहिष्णु होते हैं तब भी दूसरों की कुछ चीजों पर ऑब्जेक्शन या आपत्तियां नहीं उठाते हैं, हम जब नैतिक उदासीन होते हैं तब भी हम आपत्तियां नहीं उठाते हैं, और जब हम नैतिक दृष्टि से ये मानते हैं कि अच्छाई बुराई व्यक्ति के सापेक्ष होती है तब भी हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं। लेकिन केवल यही समानता है कि हम आपत्तियां नहीं उठा रहे हैं, हम अपनी अस्वीकृति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन तीनों में बड़ा अंतर होता है। दरअसल जो सहिष्णुता होती है
उसमें दो चीजें होती हैं। सहिष्णुता का आधार दो प्रकार के नैतिक निर्णय हैं। सहिष्णुता का एक आधार ये है कि हम कुछ सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, हम कुछ सेट ऑफ आइडियाज होते हैं या व्यूज होते हैं जिनको हम डिसअप्रूव करते हैं, हम उसको अस्वीकृत करते हैं, उससे असहमत होते हैं। इसके बावजूद हम दूसरों के मामले में अपने विचारों को आरोपित नहीं करने की सोच के कारण हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं कि मुझे अपने विचारों को, मतों को, विश्वासों को दूसरे के ऊपर लादना नहीं चाहिए। इस तरह से टॉलरेशन या टॉलरेंस दो प्रकार की चीजों पर आधारित है। एक तरफ जो टॉलरेंस है वह मतों, विश्वासों, व्यवहारों की अस्वीकृति पर आधारित है। वह मत, विश्वास या व्यवहार को लेकर हम डिसएग्रीमेंट रखते हैं, उसको डिसअप्रूव करते हैं, इस पर आधारित है। और दूसरी तरफ हम किसी को भी अपने थॉट्स को इम्पोज करने से रिफ्यूज भी करते हैं, हम अपने विचारों को आरोपित करने से अस्वीकार भी करते हैं। तो सहिष्णुता में भी हम ऑब्जेक्शन दूसरे के ऊपर नहीं करते हैं, मोरल इनडिफरेंस में भी नहीं करते। जब हम नैतिक रूप से उदासीन रहते हैं तब भी हम नहीं करते हैं, और नैतिक सापेक्षता की स्थिति में भी नहीं करते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझें कि मेरा व्यक्तिगत मत है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कोई साइड इफेक्ट या पार्श्व प्रभाव नहीं रखती है, वह ज्यादा होलिस्टिक है, उसमें ज्यादा पूर्णता है, इसलिए वो व्यक्ति के लिए ज्यादा लाभकारी है, वह ज्यादा यूजफुल है। लेकिन मेरे परिवार का कोई सदस्य या मेरा कोई निकट का सहयोगी जब बीमार होता है तो मेरे कहने के बावजूद भी उसका आग्रह है कि वो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करवाएगा। यहां पर मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने निकट सहयोगी, अपने परिजन, अपने छोटे भाई से असहमत हो सकता हूं, असहमत हूं, क्योंकि मैं निजी तौर पर मानता हूं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति ज्यादा बेहतर है। और इस असहमति के बावजूद भी जब मैं उसे किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के यहां परामर्श के लिए ले जाता हूं तो यहां पर मैंने अपने मतों को, मैंने अपने विश्वासों को, धारणाओं को, विचारों को अपने निकट के सहयोगी, परिजन या भाई पर आरोपित करने का प्रयास नहीं किया, आरोपित करने से मैंने अपने आप को रोक लिया। ये टॉलरेंस है। इसको हम उदारता के भी एक रूप में देख सकते हैं, लेकिन उदारता में हम वास्तव में कह स्पेसिफिक रूप से हम किसी चीज पर डिसएग्री नहीं कर रहे हैं। हम ये मानते हैं पॉजिटिवली कि नहीं ऐसा हो सकता है, या कुछ चीजों को लेकर कोई असहमति नहीं है हमारे और दूसरे के बीच में। इसी तरह से हम एक दूसरा उदाहरण लें कि मैं निजी तौर पर हिंदू धर्म को मानता हूं, लेकिन मैं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाना पसंद नहीं करता हूं। मेरे परिवार के सभी लोग कावड़ लेकर श्रावण मास में पदयात्रा करते हुए कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा भी, लेकिन मैंने निजी तौर पर मना कर दिया और मैंने उनको रोका भी नहीं, मैंने उनकी मुखालफत भी नहीं की, मैंने उनकी आलोचना भी नहीं की। तो मैं निजी तौर पर कावड़ यात्रा के लिए सहमत नहीं हूं। उस व्यवहार का या उस गतिविधि का या उस धार्मिक कर्मकांड का
मैं निजी तौर पर अनुपालन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने परिवार के लोगों को मैंने इस ऐसा करने से रोका नहीं, ये भी क्या है, टॉलरेंस है। लेकिन टॉलरेंस की जब चर्चा होती है तो टॉलरेंस को अक्सर रिलीजियस क्षेत्र से मिलाकर देखा जाता है। एक अमर सिंह की बड़ी फेमस किताब आती है, आइडेंटिटी एंड वायलेंस, द इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी। राजपाल प्रकाशन से उसका हिंदी अनुवाद भी आया है, हिंसा और अस्मिता का संकट। तो उस किताब में उन्होंने आतंकवाद, हिंसा, इन सब की व्याख्या की है, और इसमें वे टॉलरेंस पर भी जाते हैं, मुस्लिम सहिष्णुता पर उन्होंने उसमें एक से अधिक पैराग्राफ लिखे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प कंपैरिजन किया है अमर सिंह साहब ने उस किताब में, कि अगर हम भारत के इतिहास के संदर्भ में देखें तो भारत के तीन बादशाहों के बारे में सोचें, औरंगजेब, दारा शिकोह और अकबर। औरंगजेब को ज्यादातर लोग असहिष्णु मानते हैं। यहां पर इतिहास के जो मेरे मित्र हैं वो मेरी बात से ना इत्तेफाक भी रख सकते हैं, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग असहिष्णु मानते हैं। औरंगजेब वाकई क्या था इसको लेकर इतिहास में मत मतांतर है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, इसका मतलब कि औरंगजेब हिंदुओं के अलग मतों के होने, उनके अलग विश्वासों के होने को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ये अगर निष्कर्ष हम निकालते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह असहिष्णु था। दूसरी तरफ दारा शिकोह जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, संस्कृत और हिंदू धर्म का गहन अध्येता थे। दारा शिकोह संस्कृत और हिंदू धर्म के अच्छे जानकारों में से थे। इतिहास के विद्यार्थी जानते होंगे कि उपनिषद का उन्होंने अनुवाद कराया, और अमर सिंह ने लिखा कि दारा शिकोह के द्वारा किए गए अनुवाद की वजह से ही यूरोपियन उन उपनिषदों को पढ़कर भारतीय दर्शन के प्रति आकर्षित हुए। अकबर ने भी 1590 के दशक में विभिन्न धर्मों के बीच में, केवल मुख्य धारा के धर्मों के ही बीच में नहीं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू और इस्लाम धर्म के ही बीच में नहीं, बल्कि जैन बौद्ध धर्मों के लोगों को भी अकबर ने अपने राज दरबार में या अपने शासन काल में धार्मिक बहसों के लिए आमंत्रित किया था। अकबर ने राहे अक्ल की वकालत की। इन सब के बावजूद अकबर विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने राज्य में अपने धार्मिक मतों के अनुसार जीवन यापन करने की भी स्वतंत्रता दे रहे थे। तो जहां औरंगजेब को ज्यादातर लोग धार्मिक रूप से असहिष्णु मानते हैं, वहां दारा शिकोह और अकबर को धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु मानते हैं। तो आधुनिक युग में जो सहिष्णुता थी वो केवल एक सामान्य मनुष्य के संदर्भ में नहीं, अगर वह मनुष्य राजा है तो राजा दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करे। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि सहिष्णुता का मूलभूत सवाल इस बात से शुरू होता है कि मनुष्यों को दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और जब वे दूसरे भिन्न या विरोधी विश्वास या मत को रखते हों, उनके कार्यों से हम अस्वीकृत रखते हों, तब हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो जितना यह सामान्य मनुष्य के लिए सही है उतना ही शासकों के लिए भी सही है, बादशाहों के लिए भी सही है। तो इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता के संदर्भ में या आधुनिक जो विमर्श है उस आधुनिक विमर्श में आपको धार्मिक सहिष्णुता के बारे में भी आपको चीजें मिलेंगी। लेकिन सिविल सेवा में जब हम सहिष्णुता की बात कर रहे हैं तो यह दरअसल गैर धार्मिक क्षेत्र में आने वाली सहिष्णुता का मुद्दा है। क्योंकि जब हम कहेंगे कि प्रशासक के लिए कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए, टॉलरेशन टुवार्ड्स वीकर सेक्शन होना चाहिए, तो यहां पर हम सहिष्णुता को केवल रिलीजियस डोमेन में कन्फाइन नहीं कर रहे हैं, यहां हम टॉलरेशन को केवल और केवल धार्मिक क्षेत्र में सीमित नहीं कर रहे हैं। इसलिए सहिष्णुता के किसी भी विचार में, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र का हो, चाहे वह नैतिक
सहिष्णुता की बात हम कर रहे हों या धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र में हम किसी भी रूप में सहिष्णुता की बात कर रहे हों, तो मुद्दा यहाँ पर यही है कि विरोधी मतों या भिन्न मतों या विश्वासों के प्रति अगर सहनशीलता है तो इसमें मत अगर धार्मिक है तो ये धार्मिक क्षेत्र की सहिष्णुता का मुद्दा है, और अगर मत गैर धार्मिक है, मत अगर आयुर्वेद और एलोपैथ को लेकर है, मत अगर सबरी मत अगर यहां पर किसी ऐसे विषय को लेकर है जिसको हम धार्मिक नहीं कह सकते हैं, तो वहां पर भी सहिष्णुता का मुद्दा होता है। सहिष्णुता को धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र की सहिष्णुता में बांटकर जब हम देखेंगे तो सहिष्णुता के दो प्रकार नजर आएंगे। और एक प्रशासक को बुनियादी मूल्यों को रखने के संदर्भ में दोनों दृष्टियों से सहिष्णु होना पड़ेगा। उसका मूल भाव तो यही है कि विरोधी मतों और विश्वासों के प्रति प्रशासक में एक सहनशीलता होनी चाहिए। मुद्दा यहां पर यह भी है या सहिष्णुता का प्रकार करने में एक और बात कही जाती है कि कई बार हम सहिष्णुता को नकारात्मक और सकारात्मक सहिष्णुता में बांटकर देखते हैं। कई बार हमारे भीतर ये मन ये विचार होता है कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। कई बार क्या होता है कि हम विविधता को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बस विविधता को पैसिव वे में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब हम विविधता को नकारात्मक रूप में स्वीकार कर लें तो यह या निष्क्रिय तरीके से स्वीकार कर लें, केवल जब हम जियो और जीने दो के तहत भिन्न और विरोधी मतों या विश्वासों के प्रति सहनशीलता प्रदर्शित करें तो यह नेगेटिव टॉलरेशन का थॉट है। लेकिन जब हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें, उसको सपोर्ट करें, तो यह पॉजिटिव टॉलरेशन है। और कई बार हमें देखते हैं कि लोग एक साथ रहते हैं लेकिन साथ रहने में वो अलग अलग लोगों के मतों और विश्वासों को वास्तव में सेलिब्रेट नहीं करते हैं। जैसे अगर हिंदू और मुसलमान दो दोस्त हैं और दोनों अगर एक कन्वेंशनल या रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, रूढ़िवादिता को यहाँ पर केवल सीमित संदर्भ में ही लेने की जरूरत है, तो हो सकता है कि हिंदू जो है वो दीपावली का त्यौहार अकेले मनाए, एक पार्टनर दिवाली का त्यौहार अकेले मना रहा है और दूसरा पार्टनर मुसलमान है वो ईद का त्यौहार अकेले मना रहा है, और दोनों एक दूसरे के त्यौहार मनाने के संदर्भ में भागीदारी तो नहीं करते हैं लेकिन इसके बावजूद पैसिव वे में एक दूसरे के अलग अलग त्यौहारों को स्वीकार कर रहे हैं। ये नेगेटिव टॉलरेशन है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के त्यौहार को इस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू ईद के दिन, वो भी क्या है, ईद के दिन जो है वो भी सेवई का स्वाद चखता है और मुसलमान दिवाली के जो दिन है वह दिवाली के दिन वह भी दिए जलाता है, तो यहां पर वे डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव टॉलरेशन है। हालांकि उनके जो बुनियादी विश्वास हैं वो अलग हैं, भिन्न हैं, कुछ चीजें हो सकता है कि एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रेरी हो, लेकिन इसके बावजूद ये उदाहरण ये बताता है कि कई बार हम पैसिव वे में डाइवर्सिटी को केवल एक्सेप्ट करते हैं, कई बार हम विविधता को केवल और केवल निष्क्रिय रूप से स्वीकार करते हैं और कई बार विविधता को हम उत्सव की तरह समर्थित करते हैं। तो जब हम उत्सव की तरह विविधता को समर्थित करें तो यह टॉलरेशन का सकारात्मक रूप है, और जब हम निष्क्रिय तरीके से विविधता को केवल स्वीकार करें तो यह टॉलरेशन का नकारात्मक या टॉलरेशन का यह जो है वह नकारात्मक रूप है। यह एक और सवाल उठता है कि टॉलरेशन एक वैल्यू के रूप में क्यों जरूरी है। टॉलरेशन को सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य के रूप में क्यों स्वीकार किया जाए। तो पहली बात तो यह है कि व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए सहिष्णुता के मूल्य का समर्थन सबसे पहले जॉन लॉक की तरफ से आया,
और ये तर्क जितना उस जमाने में, लॉक के जमाने में जितना प्रासंगिक था, उतना आज भी क्या है, प्रासंगिक है कि सहिष्णु समाज, सहिष्णुता पर आधारित राज्य की नीतियां, सहिष्णुता पर आधारित राजनीति के सिद्धांत जो धर्मनिरपेक्षतावाद के रूप में सामने आते हैं, उनमें व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रताएं ज्यादा संरक्षित रह सकती हैं। तो सहिष्णुता व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए, और 1689 में जब टॉलरेंस पर पहली किताब या पहला लेख लॉक के द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया था, तो उसमें बड़ा, बहुत बड़ा आर्गुमेंट यही था। लेकिन सहिष्णुता के समर्थन का केवल तर्क धार्मिक स्वतंत्रता से नहीं जुड़ा हुआ है, और इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता से शुरुआत में सहिष्णुता को जोड़ने के कारण ही धार्मिक सहिष्णुता का विचार बहुत प्रचलित हुआ, और धर्मनिरपेक्षवाद के अंतर्गत इस चीज की बार बार चर्चा की जाती है। लेकिन सहिष्णुता के समर्थन का एक दूसरा तर्क भी है कि दरअसल सहिष्णुता वैयक्तिक स्वायत्तता और नैतिक आत्मविकास के लिए भी बहुत जरूरी है। आप ये कहते हैं कि आप अपने आप विवेकशील हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हाँ मैं विवेकशील हूं, या कोई भी व्यक्ति आज के जमाने में इस बात को स्वीकार करता है। तो अगर विवेकशील हूं तो मुझे अपने मतों, विचारों और विश्वासों के अनुसार जीवन यापन और चयन करने की भी आजादी होनी चाहिए, और ये चयन करने की आजादी एक तरीके की हो, मैं एक ही चीज का चयन करूं जो बाकी लोग चयन करते हैं, ये संभव नहीं है। इसलिए अगर आप नागरिक आजादी की बात करते हैं, अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो आपको सहिष्णुता के मूल्य को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए जब आप उदारवादी विचारधारा और उदारवादी सिद्धांतों का, उदार लोकतंत्र के सिद्धांत और उदारवाद की विचारधारा का अध्ययन आप करेंगे, तो उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल के एक प्रख्यात लेख ऑन लिबर्टी में इस बात के आधार पर जबरदस्त समर्थन किया गया है कि जो वैयक्तिक स्वतंत्रता है, वह जो वैयक्तिक जो स्वतंत्रता है या स्वायत्तता है, नैतिक आत्मविकास जो है, वह सहिष्णुता के बिना संभव नहीं है। समाज के संतुलन के लिए भी सहिष्णुता आवश्यक है, और समाज के संतुलन के लिए सहिष्णुता इसलिए आवश्यक है क्योंकि समाज में हितों के विरोध होते हैं। हितों के विरोध का सामंजस्य तब तक नहीं हो सकता जब तक हम मान लें कि ये विरोध, विविधताएं, इन सब का भी क्या है, स्थान है। इसलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए, वैयक्तिक स्वायत्तता और नैतिक आत्मविकास के लिए, और समाज के संतुलन के लिए सहिष्णुता की आवश्यकता है। एक और सवाल है कि लोक सेवा में सहिष्णुता कैसे प्रदर्शित होती है। अब 2015 आईएएस मुख्य परीक्षा के उस सवाल का उत्तर दें तो सबसे पहली बात है कि अगर किसी अधिकारी में, किसी सिविल सेवक में सहिष्णुता का गुण होगा, तो सीधी सी बात यह है कि निकोमेकियन एथिक्स की उस बात को याद रखें कि कुछ गुण नैतिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, जो दूसरों के व्यवहार से जुड़े होते हैं। जैसे विवेक अगर आपके भीतर है तो ये आपका नैतिक गुण है, साहस है तो ये आपके लिए फायदेमंद है, संयम है, संतोष है तो आपके लिए फायदेमंद है, आप अभिप्रेरित हैं, शांत हैं तो आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन आप में न्याय है, आप में सहिष्णुता है, आप में परोपकारिता है, आप में समानुभूति या एम्पैथी है, तो ये गुण दूसरों के प्रति आपके व्यवहार के संबंध में महत्वपूर्ण हैं। तो अधिकारी अगर सहिष्णु है तो उसका दूसरे से जो व्यवहार होगा वह दूसरे को बर्दाश्त करने वाला होगा, और अगर वह असहिष्णु है तो वह निजी तौर पर विरोध करने वाले व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं करेगा। तो अधिकारी निजी तौर पर विरोध करने वाले व्यक्तियों, समूहों, आंदोलनरत समुदायों के प्रति सहनशीलता तभी प्रदर्शित कर पाएगा जब उसमें सहिष्णुता हो। दूसरी बात यह है कि जनहित और जन लाभ के जो काम होते हैं उनके नतीजे देरी से आते हैं, तो उनके नतीजे आने तक धैर्य चाहिए, सहनशीलता चाहिए, और ये विश्वास चाहिए कि लोगों के विरोध के बावजूद, लोगों की असहमतियों के बावजूद,
वह जनहित के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए क्या है उसे लोगों को नतीजे हासिल होने तक शांत रहना होगा। यहां भी सहिष्णुता का बहुत बड़ा महत्व है। इस तरह से सहिष्णुता मनुष्य के दूसरे लोगों के साथ व्यवहार से संबंधित एक गुण है कि जब आप दूसरों के मतों से असहमत हों, दूसरों के कार्यों के प्रति आपके भीतर अस्वीकृति हो, तो अगर आप दूसरे व्यक्ति को तब भी आप स्वीकार करते हैं तो आप सहिष्णु हैं। सहिष्णुता उदासीनता से अलग है। सहिष्णुता इसके साथ ही इनडिफरेंस के अलावा जो सहिष्णुता है वह एक ऐसी सामाजिक अभिवृत्ति जिसमें हम परमिसिवनेस रखते हैं उससे भी अलग है। और एक और बात ध्यान में रखना है कि सहिष्णुता व्यवस्था भी नहीं है। दरअसल सहिष्णुता को ये मानने की जरूरत नहीं है कि सहिष्णुता में हम बिल्कुल अहस्तक्षेप की ही नीति को अपनाते हैं। सहिष्णुता में भी हम हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन वहां पर पर्सुएशन या विचारों के द्वारा प्रभावित करके हस्तक्षेप करते हैं। सहिष्णुता धार्मिक क्षेत्र में भी हो सकती है और धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र में भी हो सकती है, होती है। सहिष्णुता के दो प्रकार हम कर सकते हैं इस आधार पर। सहिष्णुता सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। सहिष्णुता वैयक्तिक स्वतंत्रता के धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए, वैयक्तिक स्वायत्तता और नैतिक आत्मविकास के लिए और समाज के संतुलन तीनों के लिए आवश्यक होती है। और लोक सेवा में जो सहिष्णुता का गुण है वह अधिकारी के संदर्भ में जब कोई समूह विरोध करता है तो उस विरोध के बाद उसका कैसा व्यवहार होगा इससे संबंधित होता है। जनहित और जनलाभ के क्षेत्र में जो प्रयास होते हैं उन प्रयासों को लेकर कितना धैर्य है उसमें, विरोधों को सहन करने की कितनी शक्ति है इसके संदर्भ में भी होता है।